बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड में पास किया जाएगा राम मंदिर का नक्शा। तो सुबह 11 बजे एडीए बोर्ड की बैठक होगी जहां 15 विभागों के पदेन सदस्यों को बुलाया गया है। तो ट्रस्ट की तरफ से एनओसी का भी देना होगा वेरिफिकेशन, 9 विभागों को एनओसी के वेरिफिकेशन के बाद ही पास होगा। तो बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर आज जो बैठक है, अहम बैठक अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की, जिसमें बैठक में राम मंदिर को लेकर जो नक्शा है वो इसमें पास किया जाएगा। तो सुबह 11 बजे एडीए की ये बोर्ड की बैठक है, 15 विभागों के पदेन सदस्यों को इसमें बुलाया गया है। वहीं ट्रस्ट के तरफ से दी गई एनओसी का भी इसमें वेरिफिकेशन होगा। 9 विभागों की एनओसी के वेरिफिकेशन के बाद ही इस नक्शे को पास किया जाएगा। तो राम मंदिर कैसा होगा, भव्य होगा, किस तरह का दिव्य होगा, इसको लेकर वो नक्शा तैयार है, लेकिन अब पास कराने के लिए अब बैठक इसमें होगी। और सहयोगी अयोध्या से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो सत्यप्रकाश, आज नक्शे को लेकर यहां पर दिन अहम है कि नक्शा जो इतने दिनों से बन रहा है, जिसमें कई कुछ बदलाव भी किए गए, अंत में वो पास हो जाएगा। 11 बजे बैठक है और क्या कहा जा रहा है कि किस तरह से फैसला इसको लेकर लिया जाएगा, कितने सदस्य वहां पर इस दौरान बैठक मौजूद रहेंगे? जो जितने बोर्ड के सदस्य हैं सभी होंगे, अयोध्या के अयोध्या मंडल के कमिश्नर हैं वो भी मौजूद होंगे कहीं ना कहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में जो है ट्रस्ट द्वारा जो नक्शा दिया गया है, लगभग 2,74,110 वर्ग मीटर का ये पूरा नक्शा है, जिसमें 13,000 जो है कवर्ड एरिया है, जिसमें जो पूरा दिखाया गया है। लगभग माना जा रहा है आज जो बैठक है इसमें एनओसी की जो जितने भी एनओसी जो 9 विभागों के एनओसी दी गई है, इन सभी की जांच होगी और जो नक्शा दिया गया है इन नक्शा को लेकर चर्चा किया जाएगा और उसके साथ ही जो शुल्क जमा किए जाने हैं उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट को सूचित किया जाएगा किस प्रकार से वो इस नक्शा को पास कराने के लिए जो लगभग धनराशि जमा करनी है, सरकारी जो शुल्क होगा वो कितना होगा, उसके बाद जो है नक्शे की स्वीकृति दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं आज का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जहाँ एक तरफ राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, ट्रस्ट के लोग यहाँ मौजूद हैं, एलएनटी की कंपनी के लोग लगातार जो है सब तैयारी के दौर में रहे हैं, तो वहीं अब इसके नक्शा को लेकर जो जैसे ही इसका स्वीकृति मिलती है इसके बाद मंदिर निर्माण को लेकर जो फाउंडेशन बनाया जाना है उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अहम है आज की बैठक है, लगभग 11 बजे शुरू होगी, इसमें कई बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। जी सत्यप्रकाश, ये बतलाइए, क्या सिर्फ राम मंदिर को लेकर जो निर्माण हो रहा है उसी का नक्शा यहाँ पर पास किया जाएगा, या फिर उसके आसपास भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको अभी जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है, जिनका निर्माण किया जाना है, तो क्या वो नक्शे भी इस दौरान बैठक में पेश किए जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, राम जन्मभूमि जो परिसर है पूरे परिसर लगभग 2,74,110 वर्ग मीटर का ये पूरा नक्शा बनाया गया था कि राम मंदिर के साथ साथ परिसर में और भी क्या चीजें बनने हैं, इन सभी को उसमें दर्शाया गया है, जिस पर जो है परिसर ट्रस्ट लगातार लंबे समय से जो है मानचित्र को तैयार करने में लगा रहा है, लेकिन अब जो स्वीकृति के लिए दिया गया है जो बड़े नक्शे को जो तैयार किया गया उसको लेकर आज जो है विकास प्राधिकरण बोर्ड की अपनी बैठक करेगी और कहीं ना कहीं इस पर आज अपनी भूमिका तय करेगी। जी सत्यप्रकाश, अगर आज ये नक्शा पास हो जाता है, क्या उसके बाद संभावना रहेगी कि नक्शे में कुछ बदलाव किए जाएं, यानी कि वो बदलाव इस नक्शे के पास होने के बाद किए जा सकेंगे, या फिर अब जो बदलाव हो गए पास होने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा? जी हाँ, ट्रस्ट इसको लेकर लगातार जो है जो यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं उन सभी से लगातार संपर्क में रहा है। इसके पहले जो है बदलाव किए गए हैं, कई अहम बदलाव हैं, लगभग माना जा रहा है अगर ट्रस्ट की माने तो ये पूरा फाइनल नक्शा है, उसके बाद ही जो है इसको जो है विकास प्राधिकरण में पेश किया गया। अब कोई बदलाव इस नक्शे में नहीं होता दिखाई देगा, ये है अलबत्त है कि मंदिर निर्माण के बाद आसपास के जो एरिया बने हैं, जो एरिया में जो और चीजें बनाई जाने हैं अगर उसमें कोई डेवलपमेंट किया जाना है तो वो माना जा रहा है कोई ना कोई ऑप्शन जरूर विकास प्राधिकरण इसको देकर रखेगा, लेकिन जो मंदिर निर्माण को लेकर जो नक्शा तैयार किया गया है नक्शा वही होगा, कोई इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जी चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि आखिरकार जो अंत में नक्शा आएगा वो किस तरह से राम मंदिर निर्माण का होगा। धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।